सब जो है रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको, छोटे छोटे गांवों की रियलिटी दिख रही है आपको। कुछ तो इश्यू था भाई, तो उसके वजह से ना लोगों ने ऐसे ट्रांसफर कर करके 4-5 करोड़ रुपए एक साइड में कर दिए भाई। ये उनके भी फ्रीज हो गए, FIR दर्ज हो गई, CBI तक रिपोर्ट चली गई, वो बाद में डालेंगे। और यहाँ पे जो जगह पूरा एकदम क्लीन किया है, बड़ा सा टेंट आएगा भाई 150x90 का। तो अपना चरखा पड़ा हुआ है भाई, गांधी जी वाला, हमारे घर पे भी है। देखो देखो सिरामिक कोटिंग उधर कड़ी है, लेकिन हाथ का कमाल देखो कृपा शंकर जी का। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नए दिन की शुरुआत भाई, और एक और जगह जाना है भाई कुछ आइटम देने के लिए। साफा वगैरह पड़े हुए हैं जयपुर या नॉर्मल राउंड वाले, तो एक्चुअली टोटल 70 साफाज है भाई, दे के आने तो वो बांध के रेडी करेंगे, शाम को जाके लेके आएंगे भाई वापस। तो आपको दिखाते हैं भाई कैसा है साफा। तो अब यहाँ से निकलते हैं, पीलवा गांव जाते हैं, वहाँ पे देते हैं साफा उनको, वो दे छू लेके जाके बांध के वापस लेके आ जाएंगे यार। हाँ, वो टंकी के पास में बैंक है, वहाँ पे हाई कोर्ट, पीलवा हाई कोर्ट, बैंक, रावड़ा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब उधर। ये टंकी है भाई पानी की, इसी से पहले पानी सप्लाई होता था गांव में, अभी तो सीधा पाइपलाइन है भाई। यूको बैंक का ATM तो बंद है पीलवा गांव में, बैंक खुला है ATM बंद है, बिल्कुल शटर ही डाउन है भाई ATM का। तो यहाँ पे ई मित्र का काम रहता है, वहाँ से अगर मिलता है तो वहाँ से ले लेते हैं यार। ये देखो पूरे बबूल के पेड़ है दोनों साइड में, इतना कचरा वगैरह ये सब रहता है भाई, उसके ऊपर ज़्यादा मत जाओ। ये सब जो है रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको, छोटे छोटे गांवों की रियलिटी दिख रही है आपको, ऐसा मत सोचो कि ऐसा है, वो सब हमारे हाथ में है नहीं। यहाँ पे ई मित्र है तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं अगर मिल जाता है अमाउंट, वो भी कम हो गया है, थोड़ा फ्रॉड हो गया था IDFC और यूको के बीच में। यहाँ रोको, मैं देखता हूँ, आगे रोक दो, पूछ के आता हूँ, अगर मिलता है तो लेके आ जाता हूँ। ई मित्र पे गए, वहाँ पे भी भाई यूको का अकाउंट है तो उसी से निकल रहा है, और वो भी 5000 मैक्सिमम निकल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं निकल रहा है। तब से फ्रॉड हुआ है जो IDFC और यूको का, जैसे कि IDFC से लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे पैसे निकले यार, 4-5 करोड़ का एक नाइट में साइड में कर दिए भाई लोगों ने। IDFC में आपके 10,000 थे फॉर एग्जांपल, 10,000 यूको में ट्रांसफ़र किए, तो क्या हो रहा था कि IDFC में ना निकल नहीं रहे थे पैसे, 10 के 10 पीछे रह रहे थे और यूको में चले जा रहे थे। तो वो कुछ तो इश्यू था भाई, तो उसके वजह से ना लोगों ने ऐसे ट्रांसफ़र कर करके 4-5 करोड़ रुपए एक साइड में कर दिए भाई। कोई कोई तो 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, कोई कोई 15 लाख 20 लाख, ऐसा करके ना बहुत सारे पैसे ना साइड में कर दिए। फिर नेक्स्ट डे तो अकाउंट फ्रीज हो गए, नोटिस वगैरह चले गए, लेकिन उसके वजह से अब आम जनता को इश्यू हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, ATMs बंद है, और जो जनरली पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ना उनको भी प्रॉब्लम हो गया है। मतलब जो जानबूझ के किया उनका फ्रीज हुआ, ठीक है, जो किसी काम से ट्रांसफ़र किए हैं उनका भी अकाउंट फ्रीज हो गया उस दिन, जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं IDFC यूको या IDFC से किसी और अकाउंट में, सबका अकाउंट फ्रीज हो गया भाई। क्या कर सकते भाई, उनके हाथ में कुछ था नहीं, वो तो नॉर्मली कर रहे थे, हो गया, और बाकी ने जो पैसे कमाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में किए, उनके भी फ्रीज हो गए, FIR दर्ज हो गई, CBI तक रिपोर्ट चली गई, वो सारा तामझाम हो गया है भाई। उसके वजह से अब हमको पैसे नहीं मिल रहे ATM से। देखते हैं भाई, कहीं देचू वेचू जाते हैं तो दूसरा बैंक का ATM रहता है SBI का, तो वहाँ से निकालते हैं भाई, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग। तो सब्जी का बोल देते हैं महाराज को, बंदोली का और दूसरे दिन का, तो वो फोटो वगैरह भेज के बोल के फिनिश कर देते हैं। 28 तारीख सही जी का वो मैं थाने 500 कह दूं, कल कंदो ही आज पूरी लिखा दो, ठीक है, ओके, कल क्या बात। भाई सब्जी का काम हो चुका है, सब्जी का ऑर्डर दे दिया 22 और 23 तारीख का, वो कल मिल जाएगी, बाकी 28 तारीख का जो है वो आगे ऑर्डर दे देंगे भाई। यहाँ से दूध का ऑर्डर देना है 22-23 का, बाकी 28 का आगे देखेंगे। और क्या काम है? और ये पेंट का सामान वापस करना, रिटर्न करना है। रिटर्न करना है पेंट का सामान, कितना अमाउंट हो गया है। ठीक है, उत्तम सिंह साथ में चल रहे हैं तो घर लेके।
यहाँ पे टेंट लगाने का काम शुरू हो चुका है। ये एक्चुअली 30 फीट ऐसा है और 75 फीट ऐसे लंबा टेंट है। इसका एक्चुअली एक टेक्निक है, यहाँ पे हॉल करेंगे। ये सब ऊपर के पाइप है, छत के पाइप रख दिए। अब यहाँ पे एक हॉल होगा, वो मशीन है, वहाँ से हॉल करेंगे। उस मशीन से हॉल करने के बाद में यहाँ पे खड़ा वाला पाइप डाल के इसको ऊपर बैठा के कर देंगे रेडी। तो 15-20 मिनट का काम है, दिखाते हैं आपको प्रोसेस पूरा। पूरी जगह से पानी डाल दिया है जहाँ जहाँ हॉल करना है, तो फटाक से हॉल हो जाएगा। फिर एकदम से फटाक 10-15 मिनट में टेंट खड़ा हो जाएगा भाई एकदम। ये यहाँ पे सारी जगह पे हॉल कर रहे हैं, पहले हॉल करके फिर पाइप डाल के ऊपर बैठा देंगे भाई टेंट। भाई पापा गाड़ी सीख रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ से खेत तक जाके आए, अब यहाँ के खड़ा कर दिया शायद। भाई सुबह में जो प्रोसेस बता रहे थे वो टेंट तो खड़ा हो चुका है वहाँ पे, जो 30x75 का था। बाकी साइड का जो है ना सभी वॉल वगैरह वो बाद में डालेंगे। और यहाँ पे जो जगह पूरा एकदम क्लीन किया है, बड़ा सा टेंट आएगा भाई 150x90 का, स्टेज वगैरह यहाँ पे लगेगा। बाकी लाइटिंग का काम चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम भी आ गया है, वो भी अभी लगा देंगे थोड़ी देर में। और लाइटिंग लगा रहे हैं मस्त वाली, थोड़ा एडजस्टमेंट करा दिया लाइटिंग में हम लोग, नहीं तो ऐसे ही चल जाता था। बाकी यहाँ पे बड़ा टेंट आएगा और खाने का टेंट उधर लग चुका है, मेन एंट्री गेट भी लग गया यार, काम बहुत फास्ट हो रहा है। ये भाई खाने बनाने वाले का टेंट भी यहाँ लगा दिया अलग से। बाकी वहाँ पे बैठने वालों का जो घर के आगे है वो एंट्री गेट भी लग चुका है भाई। ये यहाँ पे अपना चरखा पड़ा हुआ है भाई, गांधी जी वाला, हमारे घर पे भी है देखो, रुई काटने वाला, देखो पुराना एंटीक पीस सब पड़ा है यार। क्या मुकेश जी घुमाओ, थोड़ा बहुत और आइटम था वो तो टूट गया, लेकिन घूम रहा है अभी भी, काम चल रहा है। कृपा शंकर जी का कमाल देखो भाई, गाड़ी एकदम चमका दिया यार बहुत दिन से। वाह भाई गजब काम किए, थैंक यू, धन्यवाद भाई आपको, गजब चमक लाए हो यार। देखो सिरामिक कोटिंग उधर कड़ी है, लेकिन हाथ का कमाल देखो कृपा शंकर जी का।